आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा में जिला पंचायत चुनाव परिणामों की क्या स्थिति रही और आगरा में कौन सी पार्टी का बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष। इस रिपोर्ट में पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि 51 सदस्यों वाली आगरा जिला पंचायत में किस पार्टी का अध्यक्ष जीत सकता है। आप देख रहे हैं डीरन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार, बने रहिए। अगले 4-5 मिनट में आपको बताते हैं कि आगरा में किस पार्टी के पाले में गए कितने सदस्य और वहां जो आपसी जोड़ तोड़ है उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। जाटव बाहुल्य होने के कारण आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। आगरा जिले में कुल मिलाकर जिला पंचायत सदस्यों की 51 सीटें हैं और इन 51 सीटों में क्या कुछ रहा है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। 51 में से बसपा के हिस्से में आई 17 सीटें, भाजपा 16 पर विजय रही, निर्दलियों ने 10 सीटें अपने कब्जे में करी जबकि सपा 5 और रालोद को मिली 2 सीटें। इसके अलावा महान दल को भी 1 सीट पर विजय मिली है। आगरा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक भी सदस्य नहीं जिता पाए, उनका खाता आगरा जिला पंचायत में नहीं खुला। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब टल चुका है, यूपी में चुनाव 15 जून के बाद ही होंगे, लेकिन फिर भी चुनाव को लेके जो कयासों का दौर है वो अभी भी जारी है। आगरा की सीट जो है, मैं आपको बता दूं, एक महिला आरक्षित सीट है, इसलिए यहां पे आपको जिला पंचायत अध्यक्ष महिला ही देखने को मिलेगी। बसपा का प्रदर्शन यहाँ अच्छा रहा और जिला पंचायत में बसपा ने पहला नंबर हासिल किया है। शुरुआती विश्लेषण और अनुमान से ये कहा जा सकता है कि आगरा में बसपा के कोर वोटर यानी जाटव समुदाय ने बड़ी संख्या में बसपा को वोट दिया है। अध्यक्ष पद के लिए आगरा में बसपा और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। बसपा किसी भी कीमत पे आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करना चाहेगी। अगर गैर भाजपाई दल भाजपा को इस दौर से बाहर रखना चाहते हैं तो ऐसे में सपा की 5 सीट और रालोद की 2 सीटों का समर्थन भी बसपा को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में 10 निर्दलियों का समर्थन प्राप्त कर बसपा आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे अपना कब्जा कर सकती है, लेकिन ये पूरा का पूरा चुनाव बसपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिलहाल सरकारी शासनादेश के चलते 15 जून के बाद ही अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है और इसीलिए वर्तमान जोड़तोड़ और अंदरूनी रणनीति खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। बाकी जिलों की तरह आगरा का भी सियासी पारा जून की गर्मी में अपने उफान पर होगा। तब तक आप देखते रहिए DNN हिंदी और मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करके बताइए कि आगरा में क्या संभावना है, इसके अलावा बाकी जिलों में कौन सी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष जीत सकता है, ये आप अपने अनुमान से बताइए अगर आप उत्तर प्रदेश से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। इस रिपोर्ट को देख चुके हैं तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी का बटन। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।